आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार को आगरा कॉलेज में यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क क्लासेस की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त और डीएम ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। सागन क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया। जॉइंट डायरेक्टर ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती बीड़ा वादिनी की ज्योति प्रज्वलित करते हुए किया। मुकेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना में वे मेधावी छात्र छात्राएं जो बेहद ही गरीब हैं, फीस और सही मार्गदर्शन के चलते उचित दिशा में नहीं जा पाते हैं, उन्हीं के लिए इस योजना का निःशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उद्देश्य है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि रखने वाले छात्र छात्राएं सभी वर्गों के जो धन के अभाव में सुविधाओं के अभाव में मार्गदर्शन और कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन मिले, कोचिंग मिले। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आज लॉन्च किया है। इसका विधिवत शुभारंभ लखनऊ से ऑनलाइन हो चुका है और कल से इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आज यहां जीआईसी के इस प्रशिक्षण केंद्र में पूरे मंडल में 2 प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है, आगरा कॉलेज और जीआईसी। जीआईसी में नीट, जेईई और एनडीए के जो छात्र हैं उनको गाइडेंस दिया जाएगा, उनकी कोचिंग दी जाएगी। तो आज इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दी जाएगी और कल से विधिवत कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा 8 फरवरी को अभ्युदय योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 6,00,000 छात्र छात्राओं द्वारा पंजीकरण करा दिया गया है, लेकिन ताज नगरी में मात्र 450 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और बताया कि संघर्ष ही जीवन है। जितेंद्र शर्मा, सी न्यूज, आगरा।